प्रधानमंत्री ने भी उस पर टिप्पणी की। ये भाजपाई चीजों को तोड़ने में, मरोड़ने में, दुष्प्रचार करने में माहिर है। राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हिंसक कहा। मैं 1000 बार कह रहा हूं, भाजपाई विचारधारा से हिंसक है, कर्म से हिंसक है और हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है। ये बार बार राहुल गांधी जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, जो पार्टी हिंदुओं को गाली दे वो हिंदू हो सकती है क्या? जो पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करे वो हिंदू हो सकती है क्या? जिस पार्टी के नेता आदिवासी के सर पे पेशाब करें वो हिंदू हो सकते हैं क्या? जिस पार्टी के लोग दलितों से, पिछड़ों से नफरत करें वो हिंदू हो सकते हैं क्या? जिस पार्टी के लोग अखिलेश यादव और उनकी पत्नी के कन्नौज में मंदिर का पूजा करने पर गंगा जल से उसकी धुलाई करें वो हिंदू हो सकते हैं क्या? ये हिंदू है? ये इनका आचरण है? ये भाजपाइयों का आचरण है? ये अपने आप को हिंदू कहते हैं? तो मैं 101% राहुल गांधी जी के बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हिंसक हैं, विचारधारा से, कर्म से नफरत फैलाने का काम करते। देश के प्रधानमंत्री चुनाव में मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का, झगड़ाने का काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी चंदा चोरी कर रही है प्रभु श्री राम के नाम पे अयोध्या के अंदर। ये तो अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। आप सोचिए कैसे लोग हैं ये। अब ये प्रभु श्री राम को भी छोड़ चुके हैं, पहले मुसलमानों को गाली दिया, फिर सिखों को गाली दिया, फिर ईसाइयों को गाली दिया, फिर बौद्धों को गाली दिया, फिर दलितों को गाली दिया, फिर पिछड़ों को गाली दिया, फिर जाटों को गाली दिया, फिर मराठों को गाली दिया, फिर किसानों को गाली दिया, फिर पहलवानों को गाली दिया, अब अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। यूपी के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं लोग चुनाव हारने के बाद। ये दुनिया में किसी के सगे नहीं है। इसलिए भाजपाइयों से सावधान रहना पड़ेगा और इनको एक नहीं 1000 बार हिंसक कहना पड़ेगा। ये लोग विचारधारा और कर्म से हिंसक।